Hi guys, I am Kalpana Kumari. Currently, I am the second year MBBS student of Malana Azad Medical College, New Delhi. So today, I would be discussing about the physiology, one of the most interesting subject of the first year. And I refer two books in the first year, that is for the physiology, that is one is Gaitan and the another one is Genong. So I would be telling you that the what is the benefits of highlighting the book. सो so, दो चीज़ें होती है आप एक कोई चीज़ को फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो और फिर आप रिवाइज करते हो राइट तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई बुक पढ़ रहे हो, होते हो तो आप अगर हाईलाइट ना करो लाइक आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो और फिर जब आप दोबारा फिर उस पेज पे आते हो तो आपको लगता है ये पेज मैंने अभी पढ़ा था क्या फिर अगर लेकिन अगर आपने हाईलाइट किया होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो उससे क्या होता है कि आप एक्टिव स्टडी करते हो लाइक आपको पता होता है कि हाँ ये पॉइंट अभी मैंने जस्ट देखा था तो जो हम हाईलाइट करते हैं अगर किसी बुक्स को हम अंडरलाइन करते हैं तो उससे क्या होती है एक्टिव स्टडी होती है और वो हमारा जो भी कंसेप्ट है उसे समझने में हेल्प करता है ठीक है और फिर जब आप दोबारा रिवाइज़ करते हो तो रिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी बुक्स में बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं है बुक्स जो है एकदम नीट एंड क्लीन है तो एक पल को ऐसा लगता है कि, कि ये टॉपिक मैंने पहले कभी पढ़ा भी था या नहीं मतलब क्योंकि अगर आप रिवाइज़ थोड़ी ज़्यादा टाइम के बाद कर रहे होते हो तो मतलब ऐसा लगता है वो टॉपिक तो मतलब पूरा साफ़ हो चुका है तो अगर आपने बुक्स में हाईलाइट कर रखा है तो वो डेफ़िनेटली आपको मतलब हमारी जो आइज़ है वो अगर ऐसे डिफरेंट कलर्स से आपने बुक्स को हाईलाइट कर रखा है तो वो स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है उस पर हमारी आइज़ जो है उसे कैप्चर करती है एंड फिर हमारा जो ब्रेन में मेमोरी में, में वो कहीं ना कहीं तो वो पार्ट होगा जब हमने पढ़ा होगा फिर हमें वो सारी चीज़ें जो है वो याद आती जाती है कि हाँ इस टॉपिक में ये ये था ये मतलब ऐसे हमें सारी कंसेप्ट जो है बहुत फास्ट रिविजन हो जाती है तो जो हाईलाइट करने का मतलब आपका बहुत अच्छा एक्टिव स्टडी होगा फिर जब आप दोबारा पढ़ रहे होगे तो आपकी जो रिवीजन है वो भी बहुत फास्ट होगी और बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी होगा तो जो हाईलाइट है वो आखिर करना कैसे होता है क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज की बुक्स होती है वो सारी बुक्स इतनी मोटी होती है हो, और आप बार बार मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप पूरा लाइन टू लाइन हर बार पढ़ पाओ आप एक बार पहली बार आपने फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे थे तो आपने लाइन टू लाइन पढ़ लिया पर बार बार आप पूरी बुक्स तो पढ़ नहीं सकते तो हाईलाइट का क्या है जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप वो टॉपिक्स का जो मतलब जैसे फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी इज़ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट तो जब आप पढ़ रहे हो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो उस पैराग्राफ का लाइक like, वो स्टोरी टाइप होती है तो आपका एक सब्जेक्ट होगा जो उस पैराग्राफ का की होगा तो आपको उस की को हाईलाइट कर लेना है ताकि अगर आप जब बाद में रिवाइज़ कर रहे हो या फिर आप जब भी बाद में बाद में देखोगे तो आपको ऐसा मतलब उस कीवर्ड के थ्रू आपको पूरी स्टोरी आपके फ्लैशबैक में पूरी स्टोरी आ जाएगी तो ये बेनिफिट होता है हाईलाइट का तो आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक तो आपका कंसेपचुअल टॉपिक्स होते हैं और कुछ फैक्चुअल होते हैं तो आप जैसे डिफरेंट कलर पेंस का यूज़ कर सकते हो लाइक कि जिससे आप जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो एक तो आप उसे मार्क कर सकते हो तो आप जैसे दो पेन मान लो आपने यूज़ कर लिया तो एक का यूज़ कर लो आप जिससे आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो दूसरा आप यूज़ कर लो जैसे जो कंसेप्ट वाले पैराग्राफ थी उसमें जो की था उसे आप मार्क कर सकते हो तो मैंने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के लिए दो बुक प्रेफर करा था एक तो गाइटन करा था दूसरा गेनोंग किया था ठीक है तो जो लाइक मैं दिखाती हूँ जैसे ये मेरी गाइटन बुक है तो इसमें मतलब ये किडनी का चैप्टर है तो जैसे मैंने डिफरेंट कलर्स का जैसे ये वाली टॉपिक्स जो है बहुत कंसेप्चुअल है कुछ फैक्चुअल है तो मैंने डिफरेंट कलर पेंस का यूज़ करके इसे हाईलाइट किया तो इससे एक तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में जब आप दोबारा देखते हो मतलब ये बुक मैं ओपन कर रही हूँ ऑलमोस्ट एक साल के बाद मतलब सेकेंड ईयर में कभी खोला नहीं है पर फिर भी ये टॉपिक्स देख के लग रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था उस टाइम पर तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हाईलाइट एंड जैसे आप गेनांग में भी देख सकते हो कि मतलब मैंने डिफरेंट कलर पेंस का यूज़ करके हाईलाइट किया है तो डेफिनेटली जो हाईलाइटिंग है उससे आपकी बहुत एक्टिव स्टडी होगी एंड जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो बहुत फास्ट रिविज़न होती है और एक परमानेंट मेमोरी बिल्डअप होने में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो पेज पे मैंने वहाँ पे वो पॉइंट देखा था तो इससे जो आपकी स्टडी है आपका जो मार्क्स है वो भी इम्प्रूव होगा और अच्छा होगा मतलब यू कैन स्टडी बेटर बाय हाइलाइटिंग द बुक्स एंड अंडरलाइनिंग इट एंड बुक मार्किंग का भी यही है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे आप मार्क कर लो क्योंकि हमें सब कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते हो पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है दो टॉपिक्स आर मस्ट टू नो तो आपको वो टॉपिक्स को जैसे अलग अलग आप कलर पेंस का यूज़ कर सकते हो जैसे हाँ ये टॉपिक्स जो है वो मस्ट टू नो है तो सपोज आपने उसे पिंक कलर से टिक कर रखा है कोई दूसरा टॉपिक है दैट इज़ गुड टू नो मतलब वो आपको अगर आती है तो अच्छी बात है तो उसको आप अलग से यूज़ कर लो फिर जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि आपको कौन सा टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है तो लाइक जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आपको सबसे पहले करना है जो टॉपिक्स होती है जो कि कभी एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है कभी हमारे क्लिनिकल यूज़ में नहीं आती है तो ठीक है अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो तो ऐसे आप डिफरेंट कलर पेंस का यूज़ करके आप मार्क कर सकते हो बुक मार्क कर लो आप हाईलाइट कर लो और ऐसे मतलब जो स्टडी है उसकी इफ़िशेंसी बढ़ती है तो ये था मतलब कि हमारा जो हाईलाइट होता है बुक्स को करने का उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है एंड ये बहुत मतलब फिजियोलॉजी इज लाइक कि बहुत सारी आपकी स्टोरी होगी आपका पैराग्राफ में होगा लेकिन कीवर्ड एक होगा जिसके थ्रू आप पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हो तो आप मतलब हाईलाइट करना और ये बहुत बेनिफिशियल होगा सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच